आप लोगों के लिए एक ऐसी बाइक लेकर आया हूँ जो इंडिया की बाइक है और इंडिया में इसको बनाया गया है। ये इलेक्ट्रिक बाइक है। खास चीज़ ये है कि इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, ये मैनुअल गियर ट्रांसमिशन के साथ में इलेक्ट्रिक बाइक आ जाती है। ये है मैटर की 07। जी हाँ, ये मैटर एक इंडियन कंपनी है जो नया स्टार्टअप है। बाइक में क्या क्या खास है मैं वो आपको बताना चाहूँगा। अभी इसको मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया है, सिर्फ रिवील किया गया है। और ये जो बाइक है ये 180 सीसी सेगमेंट को टारगेट करती है, ऐसा कंपनी का कहना है। तो इसमें तीन कलर का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप ये कलर देख रहे हैं, ये ग्रे आ जाता है, ये वाइट कलर आ जाता है, और ये यहाँ पर ब्लैक कलर देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ कि इसकी टॉप स्पीड कितनी, तो इसकी टॉप स्पीड है 105 किलोमीटर पर आर की। और यहाँ पर क्या है कि एक बार चार्ज करने पर लगभग में ये 150 किलोमीटर के आसपास जाती है। बाकी जब आप टॉप स्पीड पे चलाते हो ना, कि जो रेंज है वो कम हो जाती है। तो ये काफ़ी स्पोर्टी बाइक नज़र आती है। इसमें खास चीज़ क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गियर के साथ में ये बाइक आ जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये गियर के साथ में आती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना कि ये मैनुअल गियर ट्रांसमिशन के साथ में आ जाती है। जो मोटर दी गई है वो इसकी पीक पावर मिलती है 10.5 किलोवाट के आसपास मिल जाती है। और खास चीज़ ये है कि यहाँ पर रेडिएटर भी दिया गया है। अब ये रेडिएटर इसलिए दिया गया है कि आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बैटरी जल रही है, आग लग जा रही है, या मोटर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यहाँ पर ये कूलिंग सिस्टम दिया गया है। यहाँ पर लिक्विड कूल्ड सिस्टम आ जाता है, जिससे क्या है, ये भी सेगमेंट में पहली बार है, जिससे क्या है कि मोटर भी ठंडी रहती है और बैटरी भी ठंडी रहती है। इसमें 5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है, जो कि काफ़ी ह्यूज हो जाता है। लगभग में आप इसको 4 घंटे में चार्ज कर सकते हो। इसी 7 इंच की TFT डिजिटल स्क्रीन दी गई है, जिसको क्या है ना, आप इसमें सिम भी पड़ जाता है, जिससे क्या है कि आप यहाँ पर नेविगेशन का, म्यूज़िक का, ढेर सारे एनालिटिक्स डॉक्यूमेंट वगैरह सेव कर सकते हो। काफ़ी शानदार हो जाती है। और अगर मैं इसकी बाइक की डिज़ाइन की बात करूँ ना, काफ़ी शानदार ये बाइक नज़र आती है। जैसे आपको एक 250 सीसी सेगमेंट में जिस तरह से बाइक देखने को मिलती है, या 200 सीसी सेगमेंट की बाइक देखने को मिलती है, वैसे ही कुछ यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है। बड़ी सी स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर ये आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये यहाँ पर लिक्विड कूलिंग सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, जिससे क्या है मोटर कूल रहती है। बाकी जो यहाँ पर ये कलर दिया गया है, ये काफ़ी शानदार हो जाता है। अभी क्या है कि इसको ये लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन लॉन्च किया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्राइस काफ़ी इफेक्टिव रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। फ्रंट पर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प आ जाता है, यहाँ पर ये LED DRL दिए गए हैं। साथ में है क्या कि ये जो यहाँ पर सॉकर आप देख रहे हैं, ये अराउंड 31 mm के आसपास यहाँ पर इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये डुअल चैनल ABS के साथ में ये बाइक आ जाती है। इसकी तो सीट काफ़ी अच्छे से यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। 07 जो ये मॉडल है, इसकी यहाँ पर बैजिंग देखने को मिल जाती है, स्प्लिट सीट के साथ में आ जाती है। और वहीं यहाँ रियर पे भी डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। तो यहाँ रियर टायर मिल जाता है 130/70 सेक्शन का, 17 इंचेस के यहाँ पर व्हील आ जाते हैं। और इसके यहाँ पर इंडिकेटर ऐसे देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। काफ़ी चौड़ा यहाँ पर टायर देखने को मिलता है। और अगर मैं फ्रंट की बात करूँ, तो यहाँ पर फ्रंट पर भी 100/80 सेक्शन का मिल जाता है, 17 इंचेस के यहाँ पर व्हील आ जाते हैं। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो और इंडिकेटर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो ये यहाँ पर साइड में दिए गए हैं। ये यहाँ पर मैटर का लोगो आ जाता है। जो बैटरी जलने की प्रॉब्लम्स आ रही थी, आग लग जा रही थी, उसे निजात मिलेगी। बाकी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो ये बटन्स दिए गए हैं जिससे आप यहाँ पर कंट्रोल कर पाओगे। और यहाँ पर क्या है कि आप चार्जर आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चार्जर यहीं पर है, आप इजीली इसको ऑन बोर्ड कहीं भी चार्ज कर सकते हो। मतलब अगर आप रास्ते में निकले हो तो आप इस बाइक को ले जाके आप चार्ज कर सकते हो। तो इसको कंपनी का ये कहना है कि ये बहुत जल्द इंडियन मार्केट में आ जाएगी, मतलब आप इसको परचेज़ कर पाओगे। फिलहाल कंपनी इस पर बहुत सारी टेस्टिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा वर्क अभी कर रही है। ये क्या है कि 4G enabled ये यहाँ पर स्क्रीन आ जाती है। मतलब इसके अंदर आप यहाँ पर 4G सिम लगा सकते हो और उसके बाद यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और कुछ ऐसी यहाँ पर ये बाइक आ जाती है।